तो छह तस्वीरें, पांच तस्वीरें देखिए लगातार साझा कर रहे हैं, हर एक घटनाक्रम, हर एक तस्वीर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आज तक लगातार इस खबर को पहुंचा रहा है आप सभी दर्शकों तक, क्योंकि शिव सैनिकों का यह हंगामा है। राणा दंपत्ति के घर के बाहर घर में घुसने की यह कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, और वो तीसरी तस्वीर, पुलिस का नाकाफी इंतजाम, क्योंकि हजारों की संख्या में जब शिव सैनिक कार्यकर्ता महिला विंग के साथ भी पहुंचे और अब तक नारेबाजी हो रही है और अमरावती जाने के लिए कहा जा रहा है कि वापस जाओ राणा दंपत्ति, महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पंकज का एक बार फिर से रुख करेंगे। पंकज, अब क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो पुलिस के कंधों पर ही है। मातोश्री के सामने बाहर कड़ी सुरक्षा और साथ ही राणा दंपत्ति को भी सुरक्षा मुहैया कराना, हालांकि केंद्र की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान पहले ही की जा चुकी है राणा दंपत्ति को, नवनीत राणा को, तो अभी क्या देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर झुकेगा नहीं तो ये सियासी रार, ये हनुमान चालीसा का जो मामला है, अजान बनाम बजरंग बली का ये मामला है, ये थमेगा कैसे? मुंबई की जनता को शांति चाहिए। देखिए, राजनीति तो रुकेगी नहीं, राजनीति तो रुकने वाली है नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी पास है और अभी जो फोकस है वो है कि ये सिचुएशन कैसे डीएस्केलेट हो, लेकिन वो भी थोड़े से उसमें मुश्किलात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट शिवसेना का है वो यहाँ पर बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया हुआ है। सेंटर में इस वक्त मुझे जो शिवसेना के महिला विंग है वो नजर आ रही है, उसके पेरिफरी में यानी एक आउटर रिंग बनाया गया है जहां पर शिव सैनिकों ने उन्हें घेरा हुआ है, और उसके बाहर शिव सैनिकों का ये जमावड़ा है जो गुस्साए हुए हैं। अब नवनीत राणा का ये कहना है, उन्होंने जो आरोपों की झड़ी लगाई है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, ये कहा है कि दो सालों तक, करीब करीब दो सालों तक तो वो एक्टिव ही नहीं थे, यानी एक पर्सनल कमेंट भी उन्होंने उद्धव ठाकरे पे किया है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक्टिव नहीं थे तो पहले पंतव, जब इतने बीजेपी के राज्य है तो भी सीएम को पहला नंबर मिला, तो बिना काम किए मिला, और इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं हमको, ये कौन आई सर्टिफिकेट देने वाली, जब कोरोना की काम नहीं कर रहे, आ नहीं रहे, जा नहीं रही है, तो इनका सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। कोरोना की महामारी चल रही थी तब ये बंटी बबली अपने घर में घुस के बैठे थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो अब तक हिंदुस्तान के टॉप 5 के मुख्यमंत्री में उनका नाम लिया जाता है, उनका काम है, उनके काम के खिलाफ दूसरी पार्टी इनको खड़ा कर रही है। आम जनता यही सोच रही है, आखिर ये हनुमान जयंती के ऊपर, हनुमान चालीसा के ऊपर आखिर हो क्या रहा है, इससे आम जनता का क्या भला होने वाला है? इससे आम जनता का भला नहीं होने वाला है, उनका भला होने वाला है। केंद्र से जो सिक्योरिटी मिली है वो सिक्योरिटी बढ़ने चाहिए, इसके लिए उनका पॉलिटिक स्टंट है। आप मुंबईकर हो, शिवसेना कभी आम जनता को तकलीफ देना नहीं चाहती, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, ये शिव सैनिक देख रहे हैं। आप मातोश्री देखो, यहाँ पर लोगों, दर्शकों को ये भी बता दे, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, काफी माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं जो यहाँ पर शिव सैनिकों के साथ मौजूद हैं, जो वो शिव सैनिक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं, वो शिव सैनिक है, कट्टर शिव सैनिकों साहब। तो आप बताइए, यहाँ पर जो चल रहा है उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? किस बारे में विचार? यहाँ पर नवनीत राणा ने एक बात जैसे बोला कि महाराष्ट्र के ऊपर 7.5 लगी हुई है, 7.5 पूरे देश पे लगी हुई है, और पूरे देश पे जो महंगाई भी 7.5 लगी हुई है, हर चीज महंगी है। आज गरीब घर के, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, ये 7.5 देश पे लगी है, जिसके लिए उसको अगर करना ही है ना, अगर ये पढ़ना ही है बिल्कुल पढ़े हो, उसमें हमें कोई एतराज नहीं पढ़ने के लिए, वो जाए प्राइम मिनिस्टर के घर पे पढ़े, होम मिनिस्टर के घर पे पढ़े, भारत सरकार, भारतीय सरकार के घर पे पढ़े, उसको हमको कोई मना ही नहीं है। एक और शिव सैनिक की आपने यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनी है, लेकिन मेरा आखिर सवाल फिर से यही है, आखिर इस स्थिति को कैसे, समाधान कैसे निकाला जाए, डीएस्केलेट कैसे किया जाए, ना वो झुकने के लिए तैयार है, ना आप झुकने के लिए तैयार है? नहीं, झुकने का सवाल नहीं है, वो झुकने के लिए तैयार है क्या नहीं है अभी मालूम पड़ेगा। जो उन्होंने 9 का टाइम दिया था तो हम तो उनके दरवाजे पे आके खड़े, तो 10 बजने को आए। हाँ, तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतना वैल्यू देना नहीं चाहिए था उनको। अभी हम लोग बताएंगे कि क्या तरह से उनको सबक सिखाना है। अच्छा, एक बार जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पर काफी भारी संख्या में शिवसैनिक मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर राणा दंपत्ति यानी एमपी नवनीत राणा और उनके एमएलए हस्बैंड रवि राणा, जिन्होंने चैलेंज दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान यानी बांद्रा में स्थित मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा का
पाठ करने वाले हैं। 9 बजे का समय दिया गया था, चैलेंज दिया गया था जैसे उनके ही शब्द थे, लेकिन इस वक्त 10 बजने को आए हैं। शिव सैनिक भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, महिला विंग भी यहां पर मौजूद है। पहले तो शिव सैनिकों ने कहा था कि वो इस दंपत्ति को घर से बाहर नहीं निकलने देगा, लेकिन अब शिव सैनिकों की डिमांड थोड़ी ऊपर चली गई है। अब इनका कहना है कि जब तक इन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता कि वो मुंबई छोड़कर अमरावती नहीं चली जाएंगी, तब तक वो ग्राउंड जीरो नहीं छोड़ने वाले हैं। लोग जानना चाहते हैं आखिर ये जो विवाद है किसको लेकर है, क्या शिव सैनिक हनुमान चालीसा के खिलाफ है या नवनीत राणा के खिलाफ है? शिवसैनिक हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं, यह हनुमान चालीसा हमारे श्रद्धा का विषय है, हमारे श्रद्धा का विषय है। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी हलचल बढ़ रही है, इस वक्त थोड़ी सी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के कुछ कर्मी हैं जो बिल्डिंग के अंदर गए हैं। क्या राणा दंपतियां बाहर निकल रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मुंबई पुलिस के कुछ कर्मी अंदर गए हैं, कुछ हर वक्त यहाँ पर छोटी से छोटी जो डेवलपमेंट होती रहेगी आज तक पर हम उसको बताते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से दिखाएं कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किस तरीके से है। घर के आगे यहाँ पर मुंबई पुलिस के सर, इज शी कमिंग आउट, आर दे कमिंग आउट, वी वांट टू नो सर, आर दे कमिंग आउट सर, आर दे कमिंग आउट, यस और नो, इफ यू कैन जस्ट टेल अस सर। तो यहाँ पर पुलिस फिलहाल बता नहीं रही है कि आखिर आगे क्या हो रहा है, क्या राणा दंपत्ति आएंगे नीचे, या मुंबई पुलिस का उनसे क्या कम्युनिकेशन हुआ है, क्या प्लान चेंज हो गया है, आखिर क्या कोई रेजोल्यूशन निकला है, क्या बड़े नेताओं ने बैठकर कोई रेजोल्यूशन निकाला है, इस बात के ऊपर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। बिल्कुल पंकज,